तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे गेम में एंशिएंट सिटी नाम की एक नई जगह ऐड हुई है जो कि इस टाइम पे सबसे पॉपुलर थिंग है माइनक्राफ्ट की। और इसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको पोर्टल भी कहा जा रहा है। और ऐसे भी कुछ लीक्स हैं कि ये जो वार्डन है वो इस पोर्टल को ही प्रोटेक्ट करने के लिए गेम में ऐड करा गया है। बट ये बात कंफर्म नहीं है कि इसको गेम में ऐसे ही ऐड कर दिया गया है या इसको किसी स्पेसिफिक मोब ने ऐड करा है। और जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज वार्डन, तो स्थान के लोगों की देखभाल पर ध्यान देने का काम करने वाले व्यक्ति को वार्डन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वार्डन किसी पोर्टल की देखभाल या उसकी प्रोटेक्शन नहीं करता है, ये कुछ लोगों की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन वो लोग हैं कौन जिसकी प्रोटेक्शन इतना खतरनाक प्राणी करता है? तो देखो, ऐसा नहीं है कि वार्डन एक न्यू मोब है जो कि प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। हमारा आयरन गोलम भी विलेज में रह करके विलेज की प्रोटेक्शन नहीं करता है, जबकि वो विलेजर्स की प्रोटेक्शन करता है और प्लेजर्स अपने स्ट्रक्चर्स की और अपने बॉस की और अपनी खुद की प्रोटेक्शन करते हैं। और ऐसे भी मोब हमारे गेम में एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी पोर्टल की प्रोटेक्शन करते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, सिल्वर फिश। बट सिल्वर फिश भी इनडायरेक्टली पोर्टल की नहीं बल्कि एंड ड्रैगन की प्रोटेक्शन करती है, ताकि कोई भी प्लेयर गेम को इतनी इजीली एंड ना कर पाए। तो ये पॉसिबल है कि वार्डन डायरेक्टली पोर्टल की प्रोटेक्शन करता है बट इनडायरेक्टली। और सिल्वर फिश का स्पॉनर होता है, जबकि आयरन गोलम को रिचुअल करके हम लोग स्पॉन कर सकते हैं। बट क्या हम लोग वार्डन को स्पेसिफिक आवाज निकाल करके स्पॉन कर सकते हैं? नहीं, ये वार्डन को इंडिकेट करता है कि जरूर आसपास कोई खतरा है। तो देखो, इस चीज पर मेरी पर्सनल थ्योरी है कि उस पोर्टल के उस पार भी प्लेजर्स और विलेजर्स की जैसे लोग रहते हो और वो इस पोर्टल का यूज करके अपने वर्ल्ड में आ गए हों और यहाँ पर उनको काफी अच्छी रिसोर्सेस मिली हो जो उनके वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करती हो, जैसे रेडस्टोन, और इनको कुछ खतरनाक से रिचुअल्स करने हो जिसके लिए इनको स्कल इवन सोल्स की जरूरत हो। इनको यहाँ पर स्कल स्केली को मार करके तो मिल गए होंगे, बट जब सोल की बात आई होगी तो इनको पता चला होगा कि हमारे नेदर में एक सोल सैंड नाम की चीज है जिसमें सोल्स कैद है, और इसीलिए इन्होंने एंशिएंट टाइम में नेदर पोर्टल्स बनाए हों जो आज हम लोगों को रोइन पोर्टल के फेस में दिखते हैं। और हो सकता है कि इनकी ये बात हमारे प्लेजर्स को बिल्कुल भी पसंद ना आई हो कि उन्हीं के वर्ल्ड में आकर के उन्हीं के वर्ल्ड से कोई चोरी कर रहा हो, उसके बाद हमारे प्लेजर्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे बचने के लिए ये अपने पोर्टल के थ्रू वापस चले गए हों और इनके पोर्टल के थ्रू इनके वर्ल्ड में कोई ना आ पाए, इसके लिए इन्होंने वार्डन को स्पॉन करा। तो ये तो थी मेरी पर्सनल थ्योरी। अगर आप लोगों को ये थ्योरी पसंद आई और इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर डालिए। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।